वाली किरण क्लास से सेवन थे। आप देखिए मैं लिंग और वचन में अभी लिंग के भेद वचन के भेद तक बताई थी, अब आज मैं उसकी परिभाषा दिखा रही हूँ। वचन वचन के दो भेद होते हैं और नंबर एक एक वचन, नंबर दो बहुवचन। नंबर एक एक वचन, जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आपका हाथ, कलम, किताब, ताला, घोड़ा, घर, पंखा, चाबी आदि, ये सब एक वचन कहलाएंगे। लेकिन वहीं पर पंखे ये बहुवचन हो जाएगा क्योंकि एक नहीं है, अनेक है। वहीं पर घर, घरों बहुत सारा है, इसलिए यहाँ बहुवचन हो जाएगा। कापियाँ, बहुत सारी कापियाँ हैं, बहुवचन हो जाएगा। ताले, एक ताला नहीं है, ताले, बहुत ताले हैं, इसलिए बहुवचन हो जाएगा। अंगुली या हाथ, हाथों यानी दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो हो, चाहे प्राणी हो चाहे वस्तु हो, उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। दो या दो से अधिक संख्या में, दो या दो से अधिक जो हो उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। क्या कहेंगे, बहुवचन। जैसे लड़का खेल रहा है तो एक वचन है, लेकिन लड़के खेल रहे हैं, अकेले नहीं, कई लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के, तो ये बहुवचन हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा, बहुत पुराने से पढ़ रहे हो, यही आपका है। इसी तरह से हम वाक्यों में आपको लिंग और वचन छांटने के लिए देंगे कि आप बताइए इसमें क्या है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है। समझ में आया? अब आप देखेंगे बोर्ड पर। एक वचन, जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बेटा, कुत्ता, घोड़ा, लड़की आदि, ये एक वचन के शब्द हैं। बहुवचन है जिन शब्दों से दो या दो से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, कापियाँ, पत्तियाँ आदि, मैंने बताया अभी, एक नहीं संख्या में दो या दो से अधिक हूँ उसे बहुवचन कहते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर तीन है, वह निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताओ, जिसमें रेखा विचार है। 1, 2, 3, 4 चार वाक्य हम लिखेंगे। पहला वाक्य है, आज सोमवार है। सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है, ये आपका सोमवार के नीचे रेखा की क्या है, ये आपका पुलिंग है। क्या है, पुलिंग। रोगी के सिर पर पट्टी बंधी है, रोगी के और सिर जो है ये पुलिंग है, इसलिए यहाँ पुलिंग लिखोगे। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, जननी मीन्स माता, संस्कृत सब भाषाओं की माता है, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। कवित्री कविता लिख रही है, कवित्री के नीचे रेखा है, आप क्या लिखोगे, कवित्री जो है स्त्रीलिंग है। समझ में आया सबके? फिर एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, आज सोमवार है, सोमवार के नीचे रेखा ये पुलिंग है। रोगी के सिर पर पट्टी है, पट्टी बंधी है, सिर जो है ये पुलिंग है। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि संस्कृत जो है। कवित्री कविता लिख रही है, कवित्री स्त्रीलिंग है। इसको भी करोगे। अब आते हैं होमवर्क, निम्न शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। जैसे आपका लेखक है तो ये लेखक है, ये पुलिंग है, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे, लेखिका। राजा है, राजा का रानी लिखोगे, ये स्त्रीलिंग। लिंग बदलना है ना, तो लेखक का लेखिका, राजा का रानी, गायक का गायिका, मालिक का मालकिन, बकरा का बकरी, शेर का शेरनी, माली मालिका,
मालिन, धोबी का धोबिन और पुस्तक का पुस्तकें। ओके, समझ में आया होगा क्लास वर्क एंड होमवर्क। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।